नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड वाले पे। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये कुछ कंसर्न है और कुछ क्वेरी है लोगों की। तो पहले जो है हम बात करेंगे भोटिया डॉग से रिलेटेड ऐसी बात जो शायद सोशल मीडिया पे हर कोई नहीं ये चीज़ कहना चाहता है। तो दोस्तों, मैं काफ़ी लंबे समय से देख रहा हूँ, तो लोग जो है उत्तराखंड में कुछ लोग हैं जो ब्रीडिंग करते हैं, कुछ लोग हैं जो एक जगह से उठा के दूसरी जगह डॉग सेल करते हैं। दोनों ही अच्छी बात है क्योंकि दोनों ही एक भोटिया डॉग पे ही काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये बात जो है मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ लोग हैं हमारे ही कम्युनिटी में जो हमारे ही खिलाफ जो है एक दूसरे को भड़काते हैं और दूसरे के खिलाफ जो है ऐसी भाषा प्रयोग करते हैं जो शायद बहुत ही गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि सभी लोग इस ब्रीड के लिए काम कर रहे हैं। तो लोग बहुत सारी बातें करते हैं, इधर से बात उधर करते हैं, उधर से इधर करके एक दूसरे को बदनाम करते हैं। तो ऐसा बहुत ही गलत बात है और ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और मेरे बारे में जिनको पता है वो तो अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता है और उनको जब मुझे जानेंगे तभी जाके पता करेंगे, ना कि किसी दूसरे की बात से भरोसा करेंगे। भोटिया डॉग जो है ये विलुप्त की एक कगार पे है, और इसे बचाने के लिए बहुत सारे लोगों ने, हमारे ही काफ़ी दोस्त लोग हैं जो इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं। जैसे मैं कुछ लोगों का नाम नहीं ले सकता, आप लोग समझते ही होंगे, वो दोस्त है, अगर मैं एक का नाम लूँगा तो दूसरा बुरा मानेगा। तो बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं इस चीज़ पे और कैनल खोल रखे हैं, बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगता है। और लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक दूसरे की बुराई करते हैं, किसी और की बुराई करेंगे मेरे साथ, मेरी बुराई करेंगे किसी दूसरे के साथ, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। इस डॉग ब्रीड पे अगर आप काम कर रहे हो तो पूरे शिद्दत से करो और मेहनत से करो। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो दूसरा बंदा भी मेहनत कर रहा है, और अगर आप दूसरे की टांग खींचोगे तो कल के दिन आपकी भी टांग खींची जाएगी। और गर्व की बात यह है कि भोटिया डॉग के लिए जिसने भी काम किया और बहुत ही अच्छा कर रहा है उनको मेरा सैल्यूट है। तो मैं तो कहता हूँ बहुत ही ऊपर लेके जाओ ये ब्रीड, क्योंकि ये ब्रीड में जो खासियत है वो हर कोई ब्रीड में नहीं है, डॉग ब्रीड में। और इसके लिए मैं जो हूँ हमेशा ही काम करता रहूँगा, और आगे भी ऐसी जो आपने देखी वीडियो, मैंने बहुत मेहनत की इस चीज़ पे। और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है और लगता है कि मैं भी कुछ कर रहा हूँ, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाकी दोस्तों, मैं इस ब्रीड के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। इस ब्रीड का जो है अभी सीज़न चल रहा है, यानी कि बच्चों का जो टाइम चल रहा है और लोग बच्चे ला रहे हैं, सेल कर रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छे बच्चे देने की हमेशा ही कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कोई कुछ चीज़ दे रहा है और वो चीज़ अच्छी नहीं निकलती, बिल्कुल आप अच्छी चीज़ देने की कोशिश करो। और जैसे आप 100 बच्चे सेल करते 200, तो एक दो हो सकता है उसमें गलत निकल जाएं, बेकार निकल जाएं, तो उसके लिए रिस्पॉन्स खुद ले। और मैं तो कहता हूँ अगर मेरा कोई बच्चा गलत निकलता तो मैं क्लाइंट से भी निवेदन करता हूँ डायरेक्ट मुझे बोलें, ना कि किसी के थ्रू दूसरे को बदनाम। हम जो डॉग आपके लिए लेके आते हैं, जो छोटा सा बच्चा होता है, ऐसा नहीं कि हम हर किसी से लेके आते हैं, हम उन लोगों से लेके आते हैं जो भरोसेमंद होते हैं, और ऐसी जगह से लेके आते हैं जहाँ हर कोई लोग नहीं जा सकता है। वो तो आप सभी को पता होगा, आप दिख जाता होगा आपको वीडियो में। दोस्तों, ये जो वीडियो है सिर्फ मेरे को किसी को हेट देने का नहीं है, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी के खिलाफ बोलूँ, मैंने किसी को पर्सनल नहीं बोलता हूँ, बट जो लोग ऐसा करते हैं वो बिल्कुल समझ गए होंगे मैं किसके लिए बोल रहा हूँ। तो दोस्तों ऐसा मत करो, मैंने ग्रुप में भी देखा, ग्रुप में भी लोग एक दूसरे की खिंचाई करते हैं, तो ऐसा ना करें, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि गलत मैसेज आता है। आप एक ही चीज़ के काम कर रहे हो, एक ही ब्रीड पे काम कर रहे हो और आप एक दूसरे की बुराई कर रहे हो, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल ना करें। आप लोग मेहनत करते हो तो उसका आपको फल ज़रूर मिलेगा आगे, लेकिन दूसरा मेहनत कर रहा तो उसकी मेहनत भी मेहनत है, ऐसा नहीं कि वो मेहनत नहीं कर रहा, उसकी मेहनत को देखिए आप। बाकी जिनको ये ब्रीड का पता नहीं है तो उनको मैं बता दूँ, ये भोटिया जो ब्रीड होती है हिमालयन शीप डॉग, शीप में अब जो बकरियों के साथ जो भेड़ पालक रखते हैं अपनी गार्डिंग के लिए, ये डॉग होते हैं। और ये जो ब्रीड है गार्ड डॉग होती है, अगर कोई भी परचेज करना चाहता है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दिया है, वहाँ पे जाइए, कांटेक्ट करें। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि कमेंट बॉक्स में भर भर के आता है कि प्राइस बताइए, तो किसी भी डॉग का कोई फिक्स प्राइस नहीं होता है, वो क्वालिटी पे डिपेंड करता है, क्वालिटी जैसी होगी प्राइस उस हिसाब से लिया जाएगा।
तो बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, टाटा एंड बाय बाय।